नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। बॉलीवुड में फिरोज खान और राजेश खन्ना दो ऐसे एक्टर थे जो एक्टिंग के साथ ही अपनी बेबाकी और स्टारडम के लिए काफ़ी मशहूर थे। हालांकि दोनों अपनी लाइफस्टाइल और एटीट्यूड के लिए भी काफ़ी फेमस थे। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे, सुपरस्टार रहे फिरोज खान को तो बिल्कुल भी नहीं। वो फिरोज खान को अपना कॉम्पिटिटर भी नहीं मानते थे, लेकिन जब साल 1970 में आई एक फिल्म में फिरोज खान ने उन्हें पटखनी दे दी तो वो अपना मन महसूस कर रह गए थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, जब ये दोनों सुपरस्टार एक साथ किसी फिल्म में काम कर रहे होंगे तो क्या हाल रहा होगा, क्योंकि राजेश खन्ना की तरह फिरोज खान भी अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते थे। इन दोनों सुपरस्टारों ने करीब 3 बार एक साथ फिल्मों में काम किया था। हालांकि उन फिल्मों में राजेश खन्ना ही हमेशा लीड एक्टर रहे और फिरोज खान हमेशा सेकेंड लीड एक्टर के तौर पर देखे गए। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तो राजेश खन्ना की तरह फिरोज खान को वाहवाही मिली। ऐसा ही एक बार इन दोनों सितारों का आमना सामना एक फिल्म में हुआ था, लेकिन शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना ये भाप गए थे कि उन पर फिरोज खान काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं। फिल्म रिलीज होते ही उनका शक हकीकत में बदल गया था। राजेश खन्ना और फिरोज खान के डेब्यू में महज 6 साल का अंतर था। इन दोनों दिग्गजों ने अपने अपने फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दीं। राजेश खन्ना ने 1966 में आई फिल्म आखिरी खत से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जो 1967 में भारत की ऑस्कर में पहली आधिकारिक एंट्री फिल्म बनी थी। पहली ही फिल्म से राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए थे, जबकि फिरोज खान की पहली फिल्म दीदी थी जो साल 1960 में आई थी। हालांकि उन्हें असली ब्रेक 1965 में बनी फिल्म ऊंचे लोग में मिला था, यह उस साल की सुपरहिट थी। फिरोज खान भले ही फिल्मों में पहले आए, लेकिन उन्हें राजेश खन्ना के बाद शोहरत मिली थी। ऐसे में राजेश खन्ना उन्हें कभी अपना कंपटीटर नहीं मानते थे। फिरोज खान को मैं वही हूँ, अपराध, उपासना, मेला, आग, धर्मात्मा, जानबाज, कुर्बानी, दयावान जैसी फिल्मों ने उन्हें शोहरत दिलाई, जबकि राजेश खन्ना आराधना, आनंद, इत्तफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफ़र, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी जैसी फिल्मों के लिए फेमस हैं। राजेश खन्ना और फिरोज खान को एक साथ साल 1970 में आई फिल्म सफ़र में देखने को मिला था। इस फिल्म को डायरेक्टर असित सेन ने बनाया था। फिल्म बंगाली लेखक आशुतोष मुखर्जी के उपन्यास पर आधारित थी। फिल्म में दो हीरो और एक नायिका यानी शर्मिला टैगोर थी। यह फिल्म 1969 और 1971 के बीच राजेश खन्ना की लगातार 17 हिट फिल्मों में से एक है। फिरोज खान के साथ राजेश खन्ना की यह दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों को साल 1967 में आई फिल्म औरत में साथ देखा गया था। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। हालांकि इस फिल्म में फिरोज खान ने बेहद मामूली रोल प्ले किया था। फिल्म में फिरोज खान को कुछ ही सीन मिले थे। औरत फिल्म रिलीज के बाद फिरोज खान ने फिर सफ़र फिल्म में राजेश खन्ना के साथ काम किया। इस फिल्म में दोनों को लगभग बराबरी का रोल मिला था। हालांकि राजेश खन्ना ही फिल्म के रियल लीड हीरो थे, वहीं फिरोज खान सेकंड लीड एक्टर थे। हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने राजेश और फिरोज को एक जैसा ही प्यार दिया और उनकी तारीफें की। जब सफ़र फिल्म बनकर तैयार हुई तब राजेश खन्ना इस बात से नाराज थे कि फिरोज खान फिल्म के लिए उतनी ही वाहवाही लूट ले गए जितना कि उन्हें मिला था।
क्योंकि साल 1970 में राजेश सुपरस्टार बन गए थे। हालांकि अपने आगे फिरोज खान को कम आंकते थे, वो उन्हें कभी अपना कंपटीटर नहीं मानते थे। हालांकि वो कुछ कर नहीं सके, इसीलिए उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उस समय ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। जब फिल्म का शुरुआती ट्रायल दिखाया गया तो फिरोज को खूब तारीफें मिली। आदमी और इंसान के बाद यह दूसरी बार था जब हैंडसम खान को सेकंड लीड रोल में देखा गया। यह सब देख राजेश खन्ना काफ़ी अपसेट हो गए थे, हालांकि उन्होंने समझदारी से उस दौर का सामना किया था। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।